हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षन और आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू सीरीज का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एग्जामिनेशन टिप्स सीरीज। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो में थोड़ा फोकसिंग इशू हो सकता है क्योंकि मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज बेयर कीजिएगा वो बात का। एंड दूसरी थिंग इज कि ये जो एग्जामिनेशन टिप्स सीरीज का वीडियो आएगा वो टोटल तीन वीडियो आएंगे और ये जो सीरीज होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होंगी। सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका जनरल टिप्स एंड दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक टिप्स। तो दोस्तों ये जनरल टिप्स है, स्पेसिफिक टिप्स आखिर है क्या? तो दोस्तों जनरल टिप्स आर दोस टिप्स जो आपके हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होगी। जो दूसरा होता है स्पेसिफिक टिप्स, दोस्तों स्पेसिफिक टिप्स क्या होता है, जैसे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट अकाउंट्स, उससे रिलेटेड कोई टिप देनी हो जो मुझे अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए वैलिड हो तो मैं सिर्फ उसको स्पेसिफिक टिप्स में डालूंगा। तो ये जनरल टिप्स का उसमें टोटल एक वीडियो आएगा, वन वीडियो, एंड जो स्पेसिफिक टिप्स होगा उसका टू वीडियोज आएंगे। और ये टू वीडियोज कैसे डिवाइडेड होंगे, एक होगा ग्रुप वन एंड दूसरा होगा ग्रुप टू। एंड दोस्तों ये सिर्फ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए आईपीसीसी लोग के लिए वैलिड है, सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन कोर्स लोग के लिए वीडियो वैलिड नहीं है। और दोस्तों ये जो जनरल टिप्स का एक वीडियो है, ये यही वाला वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी जनरल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के माइंड में कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होगी, तो मैं सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए कुछ बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका रिविजन प्लान। तो दोस्तों रिविजन आपको कैसे करना है, जैसे कि आप जानते हो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, नवंबर में आपके एग्जाम्स है, या आने वाले कोई भी मंथ में आपके एग्जाम्स है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज द रिविजन। तो दोस्तों रिविजन के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पे आई बटन में जाके उसका लिंक देख सकते हो। उसके बाद अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो हाउ टू रिवाइज इन दोज 1.5 डेज, एंड जो फर्स्ट पेपर होगा आपका उसका आपको कितने दिन अलॉट करने पढ़ने के लिए। तो दोस्तों 1.5 डेज को रिवीजन करने के लिए मैं बताऊँ तो आपको 1.5 डेज मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके मतलब उसके पहले आपको सिर्फ 1.5 डेज का टाइम मिलता है रिवाइज करने को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने को। तो वो टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो सबसे मेरा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि वो 1.5 डेज में आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और आपको जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह से याद भी हो जाए, और याद होगा तो भी आपके बहुत लाइट या रेयर चांसेस है कि वो एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप उसको लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हो क्योंकि आपने एकदम एंड मोमेंट पढ़ा है। तो दोस्तों एग्जाम के टाइम पे कोई भी आपको ऐसी कोई न्यू चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, उससे क्या होगा जो आपने पहले पढ़ा है ना उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो वो सिर्फ 1.5 डेज में आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो आपने रिविजन के टाइम पे पढ़ी हो, आपने सोच के रखी हुई हाँ बस मैं ये 3-4 बुक से पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा मैं कोई बुक टच भी नहीं करने वाला। हाँ दोस्तों आपको मैक्सिमम 2 या 3 बुक ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बुक्स होगी तो आप खुद डर जाओगे, खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, खुद को नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसमें से क्या पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स हो या कोई पेपर हो, तो जो फर्स्ट पेपर के लिए आपको कितना दिन देना है, जैसे कि अगर आप मान लो कि सेकेंड नवंबर को अकाउंट्स का पेपर है ठीक है, और ये आपका फर्स्ट पेपर है, तो अकाउंट्स के जो पेपर के लिए आपको 29th अक्टूबर से चालू कर देनी पड़ेगी पढ़ाई, क्योंकि आप जानते हो ये फर्स्ट पेपर है, एंड आपको अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया तो आपके बाकी सारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाए इसलिए मिनिमम आपको 3 से 4 दिन की पढ़ाई तो वो सब्जेक्ट के लिए चाहिए ही। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में कितने बजे पहुंचना है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होता है, तो मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिएगा 1:30 से पहले पहुंच जाए। अगर आप जल्दी भी पहुंच गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर बैठ के भी पढ़ सकते हो, बट प्लीज़ दोस्तों लेट पहुँचना नहीं है, क्योंकि अगर आप लेट पहुँचोगे ना तो आपको मन में वो साइकोलॉजी रहेगा और आपको स्ट्रेस फील होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें लास्ट क्लास में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट क्लास में मतलब एग्जाम है 2 बजे तो आप 1:30, 1:45 तक भी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? दोस्तों ये एक ओपिनियन डिफर करेगा फ्रॉम पीपल टू पीपल। अकॉर्डिंग टू मी, मैं मेरे टाइम पे 1:45 तक पढ़ता था, जब तक मैं एग्जामिनेशन का बैग अपना जो भी मेरा एग्जाम सेंटर है उसके बाहर नहीं रखा था तब तक मैं पढ़ाई करता रहता। कोई कोई लोग होते 11-12 बंद करके बुक्स बैठ जाते, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट मेरा सजेशन होगा कि आप एंड मोमेंट तक पढ़ते रहिए, क्या पता कि आपने जो एंड मोमेंट पढ़ा हो वही आ जाए।
उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहला होगा आपको एक पाउच लेके आना जिसके अंदर आपकी ब्लैक पेंस होगी, स्केल होगा, इरेजर होगा, पेंसिल्स होगी। उसके बाद आपको एक 30 सेंटीमीटर का स्केल कैरी करना है, बड़ा वाला। उसके बाद एक कैलकुलेटर कैरी करना है जिसके दो सेट्स होने चाहिए। दो सेट्स क्यों मैं आगे बताता हूँ। सेट्स मतलब दो कैलकुलेटर लेके जाने आपको। उसके बाद एक वाटर बॉटल लेके जाना है पानी पीने का। एक वॉच लेके जानी है, वॉच बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वॉच बिल्कुल भी नहीं भूलने का। उसके बाद हॉल टिकट लेके जाना है। एंड कोई कोई लोग को डाउट हो रहा है कि हॉल टिकट है आपका 8 to 9 pages का, तो आपको कितने पेजेस चाहिए उधर? तो दोस्तों आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 pages का जेरोक्स चाहिए या प्रिंट आउट चाहिए। और वो कलर जेरोक्स होगा तो भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स होगा तो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होगा तो भी चलेगा। उसके बाद अगर हम और एक स्टेपलर, और एक स्टेपलर भी आपको लेके जाना है याद से। एंड दोस्तों आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना है जिससे आपको एग्जामिनेशन लिखते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कौन क्या खाना चाहिए एग्जाम से पहले। तो दोस्तों मेरी माने तो आपको अपना लंच करके आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2 to 5 एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी अगर आपने लंच नहीं किया होगा। एंड अगर आपने लंच नहीं किया तो देर आर हाई चांसेस कि आपको हेडेक फील होगा, नॉजियाटिक फील होगा वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो दोस्तों आपको लंच लाइट लंच खा के जाना चाहिए, और राइस, लस्सी, छाछ, ये सब जो भी हैवी मील्स है ना जिस पर आपको नींद आ सकती है, वो सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट टू डू इन दो 15 मिनट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा पेपर 2 को स्टार्ट होता है और 5 को ख़त्म होता है, ठीक है। इससे पहले 1:45 से लेके 2 तक ये हमारा रीडिंग टाइम होता है, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा रीडिंग टाइम होता है। तो ये जो रीडिंग वाला टाइम है ना दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी ये जो 15 मिनट्स है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपको पेपर में क्लियर होने वाले हो, पास होने वाले हो या एग्जेम्पशन स्कोर करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों ये 15 मिनट्स में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा पेपर 120 मार्क्स का आता है अगर आप न्यू सिलेबस में हो, और 116 मार्क्स का आता है अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो। मतलब 120 मार्क्स में से हमें 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने, तो हमारे पास 20 मार्क्स का लीवरेज है या हमारे पास 20 मार्क्स का ऑप्शन है। तो वो 15 मिनट्स में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करना है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल देखना तक नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, चाहे आप उसे देखो या ना देखो, एंड में तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या मतलब वो क्वेश्चन देख के और अपना टाइम वेस्ट करके, इससे अच्छा बाकी की 15 मिनट्स में आप अपने बाकी के क्वेश्चन गो थ्रू करो, उसमें से आप डिसाइड करो कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। एक बार आपने डिसाइड कर लेना कि हाँ मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी आएगी। और दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी नहीं देखने का कोई भी पेपर में, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चन नंबर 1 ICAI कंपलसरी बोलता है। तो अगर कंपलसरी है तो देर आर हाई चांसेस कि ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और जैसे ही लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं उनका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, एंड वहीं पर ICAI की जीत होती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कभी देखना भी नहीं है, ना ही क्वेश्चन नंबर 1 कभी आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा बीच में या एंड में सॉल्व करने का। उसके बाद विच पेन टू यूज, तो एज पर ICAI यू कैन यूज ब्लैक पेन, यू कैन ओनली यूज ब्लैक पेन, और उसमें भी उन्होंने बोला है बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। अब बॉल पॉइंट पेन क्यों, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो ये बॉल पेन होते हैं अगर इन पे पानी भी लग गया हमारे आंसर शीट्स पे तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो बॉल पेन से लिखेगा। बट दोस्तों ICAI ने ऐसा स्पेसिफिकली आगे स्टेट किया है कि यू कैन ऑलवेज यूज जेल पेन टू। तो बहुत से लोगों के माइंड में फियर रहता है कि अगर मैं जेल पेन से लिखूंगा तो ICAI मेरे को मार्क्स ही देगा या ICAI मेरा पेपर चेक नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जेल पेन से भी लिख सकते हो अपना पेपर, बट वो प्रोवाइडेड वो ब्लैक जेल पेन हो। और दोस्तों ब्लैक जेल पेन से लिखने के थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि मैंने मेरा खुद का पेपर जेल पेन से लिखा था, क्योंकि दोस्तों जेल पेन से लिखने से थोड़ा नीटनेस बढ़ता है और आपको फ्लो मिलता है, क्योंकि जेल पेन बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बॉल पॉइंट से लिखना चाहते हो या जेल पेन से लिखना चाहते हो। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना वो आपको कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना आंसर शीट कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, और वहाँ पे देखा गया है कि ICAI मार्क्स देता है भी नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप क्या करोगे, अपने पहले के क्वेश्चन से आपको अच्छे से आते वो अटेम्प्ट करोगे, अगर उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको आता है। तो देर आर हाई चांसेस कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी ज़्यादा मार्क्स दे जो आपने बाद में अटेम्प्ट किया है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन विच यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट. जैसा कि हम सब जानते हो, हमें ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से जाने की जरूरत है. आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसके लिए आप 101% श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि ये आंसर तो भाई पूरी तरह से रटा हुआ है. चाहे कोई भी आ जाए, ये आंसर मैं गलत कर ही नहीं सकता, ना ही मुझे कोई गलत ही आंसर मार्क कर सकता है. उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कोई कोई लोग का क्वेश्चन आती है कि कैन वी जंबल अप सब क्वेश्चंस विद इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर ए बी सी डी चार सब क्वेश्चन है और चारों 5-5 मार्क के. तो जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सोच लिया कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना ही है, बट आपको बी सी और डी आता है, ए वाला नहीं आता है. तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 बी से चालू करते हैं, ए तो भूल ही जाते हैं. फिर बाद में जब पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद अगर उनके पास टाइम रहता है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अटेम्प्ट करते. तो ये दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 ए का नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने आंसर शीट में लिख दो और पूरा वो पेज छोड़ दो, चलेगा. अगर आप पेज छोड़ोगे तो चलेगा, बट आपको ऐसे सीक्वेंस में रहना है. क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन 2 बी अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चन 2 सी अटेम्प्ट करना है. तो दोस्तों, आपको अपना सीक्वेंस कैसे भी करके तोड़ना नहीं है. आपने एक बार जो भी क्वेश्चन चालू कर दिया, उसके सब क्वेश्चन सब एकदम सीक्वेंस में होने चाहिए. आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है. उसके बाद हम कोई कोई लोग पूछते हैं कि हमें बॉर्डर्स ड्रॉ करने की जरूरत है कि नहीं. मैं आपको बता दूं कैसे बॉर्डर्स. जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है. यहाँ पे पहले से एक बॉर्डर आती है और यहाँ पे एक बॉर्डर आती है और यहाँ पे ऐसे हमें एक और बॉर्डर मिलती है और यहाँ पे वो वाइट स्पेस होता है और यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर का बॉक्स होता है. तो कोई कोई लोग क्या बोलते हैं कि आपको पता है कि 145 को आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है, बट दोस्तों 145 को आपको अपना आंसर शीट नहीं मिलता है. आंसर शीट आपको हमेशा 2 बजे मिलेगा. तो 2 से लेकर 5 बजे तक एग्जैक्ट 3 घंटे का टाइम है. अगर आप वो 3 घंटे में हर एक पेज पे ऐसे पहले बॉर्डर बनाने बैठे, पहले यहाँ का एक बॉर्डर बनाएंगे, फिर यहाँ का एक बॉर्डर बनाएंगे क्वेश्चन के लिए, फिर सब क्वेश्चन के लिए अलग से बॉर्डर बनाएंगे, तो दोस्तों आपको नहीं लगता ये कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट है? क्योंकि दोस्तों ICAI की जो बुकलेट होती है जहाँ पे आप आंसर्स लिखते हो, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30-32 पेजेस होते हैं. और ये 32 पेजेस में वैसे लाइन बनाने बैठे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा? मतलब 15-20 मिनट्स तो आप लाइन बनाने में वेस्ट कर चुके हो, और जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको कि आप ऐसे लाइन बनाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा. तो आपको ये जो लाइंस एंड बॉर्डर्स है ना, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके अगर आप नहीं बनाओगे. तो मेन थिंग इज कि आपका कंटेंट राइट होना चाहिए और आप बराबर लिख रहे हो कि नहीं, वो लोग चेक करेंगे. आपके बॉर्डर्स ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करते. उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन इन द मिडल. जैसा कि ये हमारा आंसर शीट है, ठीक है. उसके बाद जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो पहले, तो यहाँ पे भी आंसर शीट के लेफ्ट साइड में आपको लिखना है क्वेश्चन 2. उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है बीच में, आंसर 2 क्वेश्चन 2A. जैसे कि 2A अटेम्प्ट कर रहे हो तो, और इसको ऐसे 2 बार अंडरलाइन कर देना. तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपको ये आंसर टू क्वेश्चन 2A आपने अटेम्प्ट किया है. तो इससे एग्जामिनर को भी ज़्यादा ईज होगा अपने सजेशन आंसर से देख के आपका आंसर मैच करने को. तो दोस्तों, इस तरह से आपको बीच में लिखना आंसर टू क्वेश्चन 2A, 3A, 3B, 3C, जो भी है आपको लिखना है. और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको ऐसा लिखना है क्वेश्चन 2. अब चाहो तो आप भी क्वेश्चन 2A लिख सकते हो. अब ऐसा दो दो बार क्यों लिखना पता है? क्योंकि दोस्तों, कोई कोई लोग बोलते हैं कि आपको ऐसे बीच में नहीं लिखना चाहिए, कोई कोई लोग बोलते हैं कि आपको बीच में लिखना चाहिए. तो दोस्तों, ये तो लिख ही लो, ये तो कंपलसरीली आपको लिखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. बट ये भी अगर आप लिखोगे ना दोस्तों, इसका बहुत सारा बेनिफिट होगा. उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यू रूल. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देर इज अ रूल कि एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. बट दोस्तों, आज से एक नया रूल होगा, एवरी न्यू सब क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. क्या बोला मैंने? एवरी न्यू सब क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज. मतलब क्या, हम सब जानते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो अभी 2A यहाँ पे 2D हो गया, ये समझो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2D आपका यहाँ तक खत्म हो गया, ये पेज में अभी भी इतनी जगह बाकी है.
तो आप यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन थ्री नहीं चालू कर सकते, आपको अपना नया पेज पे आंसर टू क्वेश्चन थ्री ये चालू करना पड़ेगा। ये तो होता है हमारा कॉमन रूल। अब एक नया रूल क्या होगा कि एवरी न्यू सब क्वेश्चन ऑन ए न्यू पेज, मतलब क्या, आपका ये समझो कि यहाँ पे है 2A, ठीक है, आपका 2A इतने जगह में खत्म हो गया, फिर भी आपको इतनी जगह बाकी है, तो आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन 2 भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपना न्यू पेज में क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों कोई कोई लोग के मन में ऐसा थॉट आता है कि अगर हम एक्स्ट्रा आंसर शीट्स लेंगे या सप्लीमेंट्स लेंगे तो ICS बराबर चेक नहीं करता है और सप्लीमेंट्स गुम होने के चांसेस है, तो दोस्तों ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ICS आपके सप्लीमेंट संभाल के रखेगा, आपको कैसे भी करके इसे कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ICS पूरा 32 पेजेस देता है और वो मोर देन इनफ है आपको ना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो भी अगर आपने न्यू सब क्वेश्चन और न्यू पेज चालू किया है ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नीट लगेगा, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ उसे मार्क्स देने, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे कंटिन्यूटी में लिखते जाओगे ना एग्जामिनर को जगह ही नहीं मिलेगी मार्क्स देने की, तो खुद इरिटेट हो जाएगा अगर आपने इतना लिखा है और यहाँ पे आपका एग्जामिनर चेक किया है तो उसके बाद इतनी जगह तो भी आपको मार्क्स दे सके अच्छे से, ताकि उसे पता चले ना कि ये सब क्वेश्चन में आपको इतने मार्क्स मिले। और दोस्तों ज़्यादा सप्लीमेंट्स की बात है तो मेरा मई में एग्जामिनेशन था CA इंटरमीडिएट का मई 2018 में, वहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, IT में नहीं लिया था, SM में लिया था, चाहे वो SM हो, IT हो, ऑडिट हो, ऑडिट में भी सप्लीमेंट लिया था, मैंने आठों के आठों पेपर से सप्लीमेंट लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट लोगे तो ICS वो सप्लीमेंट्स घुमा देगा और सप्लीमेंट्स घूम जाएंगे, ऐसा कोई भी टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू कंप्लीट पेपर विद इन 3 hours एंड मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड स्पीड। तो जैसा कि हम सब जानते हो हमारा जो पेपर होता है वो हमें 3 hours में कंप्लीट करना होता है, एंड ये इतिहास में गवाह है, इतिहास गवाह है कि मैक्सिमम लोगों का तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत बार आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि आपकी स्पीड, आप लोग क्या करते हो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हो जाते हो, ठीक है, फिर जो बीच का आ जाएगा उसमें आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है, फिर वापस थोड़ी कम हो जाएगी, फिर जो थर्ड आ जाएगा उसमें इतनी स्पीड हो जाएगी आपकी। तो ये आपका ग्राफ देख लो, पहले फर्स्ट आर में तो एकदम चिल्ड होते हो कि हाँ आराम आराम से लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के, आराम आराम से टाइम स्पेंड करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हमने पढ़ाई की है। उसके बाद आपकी सेकेंड आर में थोड़ी स्पीड बढ़ती है, फिर वापस थोड़े टाइम के लिए आपकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है, फिर वापस एकदम थर्ड आर में बढ़ने लग जाती है। तो दोस्तों थर्ड आर में क्या होता है, आपने लिखा तो होगा सब बराबर, पर आपकी हैंडराइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आपको समझता ही नहीं है कि आपने क्या लिखा है, और ना एग्जामिनर को समझता है कि आपने क्या लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए जो आपकी स्पीड है वो हमेशा फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको पता है आपको टोटल न्यू सिलेबस में टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो दोस्तों क्या करो हर एक क्वेश्चन के लिए 32 मिनट्स दे दो बस। ऐसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया, सबसे पहले घड़ी में देखा 2 बज गए, 2 से लेके 2:35 तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करूंगा, 35 मिनट्स जैसे ही हो गया मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आपको हमेशा टाइम कॉन्शियस होकर अपनी चीज़ों को प्लान करना है। अगर 32 मिनट्स है और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन है और एक 5 मार्क का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट्स मिल रहा है आपको एक आंसर को, तो 6 मिनट्स में आपको कैसे भी करके एक आंसर अपना कंप्लीट करना ही है। तो ये तरह से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे आप पेपर लिखने वाले हो। और दोस्तों ये कैसे आएगा, जब तक आप एक या दो बार रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, एग्जामिनेशन के एनवायरमेंट में बैठ के आप एकदम रिटर्न प्रैक्टिस करो एक बार कि आप कितनी स्पीड में हो, क्या आप ऐसा कर पा रहे हो, क्या मैं एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो द मेन थिंग वुड बी आपको अपना टाइम कॉन्शियस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है तो मुझे 20 मार्क्स आधे घंटे में कैसे भी कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों आपको ऐसा करके रखना पड़ेगा कि लास्ट का 10 मिनट्स होगा ना वो आपको रीडिंग के लिए मिलना चाहिए। रीडिंग मतलब क्या, क्रॉस चेक, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलता है नहीं, बट दोस्तों आपके पास अगर आप 10 मिनट पहले भी आपका पेपर खत्म हो गया तो भी 10 मिनट आपके पास बफर टाइम है, वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो या अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको बराबर से नहीं आ रही हो या फिर आपने छोड़ा हो। तो दोस्तों आपको कैसे भी करके ये दिमाग में रखना है कि आपको 170 मिनट्स में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि नो मैटर व्हाट यू डू यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए आपको अपने 100 मार्क्स के लिए पेपर अटेम्प्ट करना ही है। जब तक आप 100 मार्क्स के लिए पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा वो पेपर में, और जैसे ही आपने 100 मार्क्स से अटेम्प्ट किया ना आपको नेक्स्ट पेपर के लिए भी कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि आपने 100 मार्क्स से पहले वाले पेपर में अटेम्प्ट किया तो ये वाले में करना ही है। अगर आप 100 मार्क्स से भी अटेम्प्ट करोगे ना तो दोस्तों इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आप खुद भी जानते हो। उसके बाद हम बात करते हैं
कि जान जाए, पर आपको 3 घंटा तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे लोग 2 से 5 का पेपर होता है, 4 बजे उनका पेपर कंप्लीट हो जाता है, उठ के चले जाते हैं। क्यों? जब ICAI आपको 3 घंटे का टाइम दे रहा है तो 3 घंटे में ऐसा समझो कि आपकी जंग है और जंग को आपको पूरी तरह से जीत के आना है, तो वो 3 आवर्स आपको कैसे भी करके बैठना ही है। अगर आपका 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया नो प्रॉब्लम, 1 घंटा चेक करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा, 1 घंटा बैठे रहो, लाइंस बनाओ, कुछ तो करो, बट 3 घंटे से पहले आप प्रॉमिस करो मुझसे कि आप 3 घंटे से पहले पेपर छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको 3 आवर्स वो पेपर अटेम्प्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 3 आवर्स आपकी फाइट है। फाइट है किसके साथ है? ICAI के साथ आपकी फाइट है, ऐसा समझो। और 3 घंटे से पहले आप वचन ले लो अपने आप से कि आप एग्जामिनेशन हॉल से उठ के जाओगे ही नहीं। उसके बाद 18 वाला पॉइंट होगा अपना माइंड गेम्स। हम सब जानते हैं CA डिफिकल्ट है, बट दोस्तों ये CA एक माइंड गेम्स है। ऐसा आपके माहौल ने और CA क्रिएट कर दिया ना आपके सराउंडिंग ने कि आपको लगता है कि भाई CA के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। आई एग्री कि कोई कोई क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी, बट द पॉइंट इज कि ये सब माइंड गेम्स है। जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे ना अंदर से, कि जब से आपको खुद से अंदर से फील नहीं आ रहा कि यस ये एग्जाम तो मैं क्रैक करके रहूंगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके आंसर पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप नहीं हो कॉन्फिडेंट तो आप बीच बीच में ब्लैंक हो जाओगे। और दोस्तों अगर ब्लैंक हो गए तो उसके बारे में बताऊंगा, अगर आप ब्लैंक हो रहे हो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मिनट रिलैक्स करना है, पानी पियो, फिर भी नहीं हो रहा क्वेश्चन छोड़ दो, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी ब्लैंक होना नॉर्मल है। अगर आप ब्लैंक हो रहे हो तो ठीक, वो क्वेश्चन छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ। उसके बाद नेवर एवर डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर विथ एनी वन। कोई भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपका एग्जाम होने के बाद, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, चाहे आपका पेपर हो बहुत ज़्यादा अच्छा गया हो तो आप सबको बता रहे हो कि ये का ये आंसर है, ये वाले का ये आंसर है, ये वाला इतना ईजी था तेरे से नहीं हुआ, ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना क्वेश्चन पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन पेपर किसी और के साथ डिस्कस करके, आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है? जो आपने राइट लिखा है वो तो राइट है ही, जो आपने रॉन्ग लिखा है क्या वो रॉन्ग होने वाला है या वो राइट होने वाला है? अभी नहीं होने वाला ना। सो व्हाट इज द पॉइंट इन डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर? तो आपको ये बात दिमाग में याद रखनी कि आप अपना क्वेश्चन पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करो। तो दोस्तों बस ये हो गया मेरा जनरल टिप्स को लेके वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। और दोस्तों कैलकुलेटर की जो बात आती है, तो आपको 2 सेट्स क्यों लेके जाने? 2 सेट्स इसलिए लेके आने क्योंकि दोस्तों इन केस अगर आपका कैलकुलेटर खराब हो गया पहला वाला, तो बस बैकअप के लिए दूसरा कैलकुलेटर तो रहेगा ही, तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप 2 कैलकुलेटर लेके जाइए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों जो बाकी के 2 वीडियोज होंगे स्पेसिफिक टिप्स को लेके, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे या फिर आई बटन में होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।